इन जानवरों का हक मारने का प्रयास करते हैं, इनका घर छीन लेते हैं और मदारी बन जाते हैं। अरे भाई आराम से, वो बैठे हम भी लेटे हैं। वो कहाँ आराम से बैठे हैं, आपने तो उन लोगों को गुलाम बना लिया है, आपने कमर में बांध लिया है। गर्दन में ये फंदा लगा दूं मैं और बोलूं कि आपको 100 रुपया दूंगा, केला दूंगा, फल दूंगा और आपके साथ मदारी का काम करूं, अच्छा लगे? अरे रुकिए तो सही, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, हम आपको परेशान, अरे परेशान कर, सुनिए ना बाबूजी, अरे सुनो ना, अरे सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, अरे सुनो ना। चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं एक दृश्य दिखाने, जिस दृश्य को देखकर शायद आप लोग भी बेचैन हो जाएंगे और समझ में नहीं आ रहा है आज के समय में इंसान बंधक बना हुआ है या जानवर बंधक बना हुआ है या कौन बंधक बना हुआ है। अभी हम लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ का ये गोमती नगर एरिया है, ये पूरा VIP एरिया है, सभी VIP लोग रहते हैं यहाँ पे। पेड़ पौधा देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। और सामने दृश्य देखिए, यही दृश्य मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आज मजदूर दिवस है, 1 मई, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक मजदूर है, देखिए सोए हुए हैं और उन्होंने 2 बंदरों को बांधा है या 2 बंदर ने उन्हें बांधा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए। और कहीं नहीं तो कहीं हम जो इंसान है ना, इन जानवरों का हक मारने का प्रयास करते हैं, इनका घर छीन लेते हैं और मदारी बन जाते हैं। और कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, लेकिन अब मैं गलत कैसे कहूँगा, ये अपना पेट पालने के लिए ये काम कर रहे होंगे और इनका पेट पालने का काम जो है वो सरकार का है, जो सरकार कहीं नहीं तो कहीं इनका हक मार ले रहा है, इसलिए इन्हें जानवरों का हक मारना पड़ रहा है। देखिए ये देखिए, क्या नाम हुआ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम हुआ, क्या? अनिल। अनिल, अनिल कहाँ घर है आपका? यही है भाई। कहाँ है? यही घर भाई, यहीं पे घर है। अच्छा ये बताइए, ये 2 बंदर को आप लेकर घूमते हैं, कहीं भी सो जाते हैं? नहीं बड़े भाई तो, हाँ। अरे अभी नींद थोड़ी लग रही, धूप है, थोड़ी धूप है, धूप के मारे थोड़ा जुगाड़ है, अच्छा थोड़ा जुगाड़ कर रहे हैं। अच्छा इसे अपने कमर में क्यों बांधे हैं? मतलब समझ नहीं पा रहे भाई, मतलब कि इन 2 बंदरों को अपने कमर में क्यों बांधे हैं? अरे भाई आराम से, वो बैठे हम भी लेटे हैं। वो कहाँ आराम से बैठे हैं, आपने तो उन लोगों को गुलाम बना लिया है, आपने कमर में बांध लिया है, आप मेहनती मजदूर हैं, आप इन्हें गुलाम ना बना के भी आप काम कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं बताइए? जानवरों को बंधक बनाना सही है कि या गलत है बताओ? लेटने नहीं दोगे का भाई? नहीं लेटने से मतलब नहीं है, देखिए हम कहीं भी नहीं चाहते हैं कि आपका रोजी रोटी छीन जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हम इंसान हैं, धरती पे भगवान ने सबसे खूबसूरत जन्म जो है हमें दिया है, तो हम जानवरों को बंधक क्यों बनाते हैं? इनको बंधक बनाने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है, उसके बारे में बताइए। बड़े भाई नींद लग रही बहुत तेज से, थोड़ा यहाँ को काम से आया हूँ, फिर थोड़ा काम करके मैं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, इन बंदरों के साथ आप कौन सा काम करते हैं ये बताइए? खेल दिखाता हूँ भाई, बस खेल दिखाते हैं जी भाई, बस अब ये खेल दिखाते हैं। अब ये गलत कितना है, सही कितना है, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। ये गलत इस मुद्दे पर है क्योंकि ये बंदरों को बंधक बना के खेल दिखाते हैं, और सही इसलिए है कि कहीं नहीं तो कहीं खेल नहीं दिखाएंगे तो इनका भरण पोषण नहीं होगा, इनका पेट नहीं भरेगा, तो इन्हें बंदरों को बंधक बनाना पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं? अरे मिल जाता भैया 100-150 रुपये। 100-150 रुपया में, 100-150 रुपया में आपका परिवार चल जाता है? अच्छा ये बताइए, 100-150 रुपया के वजह से आपने 2 बंदरों को बंधक बनाया है, जरा बताइए। अच्छा ये बताइए कि आपके गले में अगर कोई रस्सी डाल दे आपको अच्छा लगेगा?
नहीं भाई, नहीं लगेगा ना। अच्छा, इन दोनों बंदरों का कीमत कितना होगा? मतलब इन दोनों बंदरों का कीमत कितना होगा? खरीदे हैं या पकड़े हैं? शुरू के हैं मेरे भाई। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना। शुरू के बंदर है मेरे भाई, जो बच्चे उसी, मतलब आपने पैदा किया है इन बंदरों को? अरे शुरू में जो थे हाँ, तो उसके उसी के बच्चे भाई, उन्हीं को पाला है। मतलब कि आपने पकड़ा ही होगा ना? अरे शुरू में पहले पकड़ा था ना, पकड़े थे। अच्छा, अभी अगर इसको बेचेंगे आप तो कितने में बेच देंगे? बेचेंगे नहीं भैया। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि काहे को बेचते भाई, रोजी धंधा मेरा, रोजी धंधा है, बेचते नहीं ना। नहीं बेचते हैं। अच्छा ये बताइए कि इनको खाने होने के लिए क्या देते हैं? फल है, केला है, केला है, केला है, सेब है, अनार है, केला है, सेब है, अनार है। और एक दिन में 100 रुपया कमाते हैं? जी भाई, 100-150 तो मिल जाता है, 150 रुपया मिल जाता है। मेहनत मजदूरी करिएगा, स्वस्थ आदमी हैं, एक दिन में 300-400 रुपया तो कमा लीजिएगा आप। अभी तो हम आपको प्यार से समझा रहे थे। मान लो बड़े भाई, नहीं ये गलत बात है ना। आप बताइए, लॉजिकली सोचिए, आप जो बातें बोल रहे हैं, आपके गर्दन में ये फंदा लगा दूं मैं और बोलूं कि आपको 100 रुपया दूंगा, केला दूंगा, फल दूंगा और आपके साथ मदारी का काम करूं, अच्छा लगेगा? इंसान के रूप में सोचिए ना आप, क्यों नहीं आप लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, क्यों मतलब कि तो कीजिए ना, तो इन सबको छोड़ दीजिए ना आप। अच्छा ये बताइए कि अगर फॉरेस्ट विभाग वाले आपको पकड़ेंगे, लॉजिकली सोचिए, फॉरेस्ट विभाग वाले पकड़ेंगे तो आपको जेल हो जाएगा। किसी जानवर को आप बंधक नहीं बना सकते हैं, और अगर बंधक बना रहे हैं किसी जानवर को तो उसका परमिशन लेना पड़ता है। आपके पास परमिशन भी नहीं होगा? जी सर नहीं। नहीं है ना? कहाँ घर है आपका? हाँ सर। कहाँ घर है? जलालपुर में है सर। जलालपुर में घर है। तो इन बंदरों को आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप उतना मेरे से पैसा सर छोड़ दें, आप उतना मेरे से पैसा ले लीजिए, इन बंदरों का जितना कीमत होगा उतना पैसा ले लीजिए, लेकिन इन बंदरों को छोड़ दीजिए। कितना पैसा होगा इन बंदरों को छोड़ने का बताइए? अरे सर आप फालतू में आपने फंसा दिया। फंसाया नहीं हूँ मैं। देखिए यही चीजें समझने की जरूरत है, इंसानियत आपके अंदर। सो रहे थे सर, सो भाई मैं आपने पकड़ लिया फालतू। नहीं पकड़ा नहीं हूँ, मैंने एक चीज देखा है सर। आपको मैं पाँव छू रहा हूँ सर, आपको मैं पाँव छू रहा हूँ सर। अच्छा ये बताइए, मैं आपका पाँव छू रहा हूँ, दोनों पाँव छू रहा हूँ, इन दोनों बंदरों को रिहा कर दीजिए। अरे सर पैसा ले लीजिए हमसे, हम पैसा देंगे। सुनिए ना, सुनिए ना, हम पैसा देंगे हमसे। सुनिए सुनिए, हमसे आप बोले 100 रुपया पर डे कमाते हैं, हम समझते हैं कि आप 200 रुपया पर डे कमा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप 300 रुपया पर डे कमा रहे हैं। 300 रुपया पर डे, हम आपका 2 महीने का कमीनी दे रहे हैं, इन बंदरों को छोड़ दीजिए ना। अरे सर आप फालतू में सर आप पकड़ रहे हैं। नहीं रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट रुकिए रुकिए रुक, रुकिए ना रुकिए ना रुकिए ना, ये देखिए ये समस्या, एक मिनट भाई साहब रुकिए ना, आइए आगे। अरे रुकिए तो सही, सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना, हम आपको परेशान, अरे परेशान कर, सुनिए ना बाबूजी, अरे सुनो ना, भाई भाई मेरे, अरे सुनो ना सुनो ना सुनो ना, अरे सुनो ना, ये देखिए ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और अगर देखिए देखिए भाग रहे हैं, और इन्हीं को अगर बंधक बना दिया जाए तो क्या वो सही है? और अगर ये बंधक बनाए हैं और बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ 100 से 200 रुपया पर डे कमाता हूँ, तो 200 रुपया के लिए दो जानवरों को बंधक बनाना क्या जायज है? देखिए अभी भाग रहे हैं, देखिए देखिए 200 रुपया के लिए, और मैंने बोला कि इन दोनों बंदरों का कीमत ले लीजिए आप, लेकिन इन दोनों बंदरों को रिहा कर दीजिए। हाँ हालांकि ये बात सही है, एक पहलू देखा जाए तो रोजी रोटी का वो साधन है, लेकिन रोजी रोटी का उसके अलावा भी तो बहुत सारा साधन है ना। अपने रोजी रोटी के लिए जानवरों को बंधक बनाना कहाँ तक जायज है? इंसानियत के नाते सोचिए आप, अगर वो दोनों पैर से स्वस्थ है, दोनों हाथ से स्वस्थ है, पूरा शरीर से स्वस्थ है, तो इसके अलावा भी कोई दूसरा काम कर सकते हैं और उससे आराम से जो है वो 300 से 500 रुपया पर डे कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। तो फिर बंदरों को बंधक कैसे बनाया जाए? ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि बेचारा लाचार है, गरीब है, मजदूर है। अगर सरकारें सही होती और सक्षम होती तो एक मजदूर जो है दो जानवरों को बंधक बना के जो है अपना पेट नहीं पालता, ये दूसरा पहलू है।
और इस दोनों पहलू में सुधार होना चाहिए और सुधार का प्रयास जो है देश के लोगों के साथ साथ, देश के सिस्टम के साथ साथ, देश के नेताओं को भी करना चाहिए। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, जो वो आदमी कर रहा था क्या वो सही कर रहा था? नहीं नहीं, एक इंसानियत के नाते एक जानवर को पकड़ के रखना उसके लिए, दो दो जानवर, बिल्कुल दो दो जानवर को। आपने तो उनको ये भी ऑफर किया कि आप कीमत ले लीजिए, दो महीने की रोजी ले लीजिए, लेकिन फिर भी वो मजबूर है, वो भी एक कहीं ना कहीं वो मैंने दोनों पहलू पे चर्चा किया है। सही है कि नहीं है? बिल्कुल, मेहनत करना नहीं चाह रहा है। आप देखें जब उसको पकड़े तो क्या दौड़ा है। हाँ। मतलब वो सक्षम है मेहनत करने के लिए, पर मेहनत करना नहीं चाह रहे। मेहनत कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं। आपने देखा क्या? जी सर, बिल्कुल देखा सर। अच्छा ये बताइए, वो गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। गलत है जी जी, और सरकार ने, हमारे संविधान ने जानवरों को भी कुछ अधिकार दे रखे हैं, उनको भी आजादी चाहिए। अगर इस जन्म में आप जानवर बनके जानवरों को गुलाम कर रहे हैं तो अगला जन्म आप जानवर बनिएगा और आपके साथ भी कुछ जानवर जो है जानवरों वाला सलूक करेंगे। तो अगर धरती पे सबसे खूबसूरत जन्म भगवान ने हमें इंसान के रूप में दिया है तो इंसान बनने का प्रयास करें, हैवान बनने का प्रयास ना करें, और हो सके तो जानवरों के साथ साथ आप जानवर ना बने, क्योंकि भोले भाले मासूम जानवरों को बंधक बना के कहीं नहीं तो कहीं जो है हम इंसान अपने जानवर होने का परिचय देते हैं। बाकी इस देश के किसी भी कोने में इस प्रकार का दृश्य दिखे तो आप लोग बदलने का प्रयास करें। और हाँ, मेरी सहानुभूति है उस मजदूर के साथ, लेकिन एक सवाल भी है कि अगर वो ईमानदार व्यक्ति है, मेहनती है, तो दूसरा काम करें, ना कि जानवरों को बंधक बना के जो है अपना पेट पालने का प्रयास करें। बाकी लखनऊ के इस VIP एरिया से मजदूर दिवस के अवसर पे हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।